नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इज माई कार सर्च और मैं हूं आपका दोस्त सुनील। और आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं नई आने वाली वैगन आर 2019 जो अभी लॉन्च होने वाली है जनवरी में, 23 जनवरी को लॉन्च होने वाली है। और अभी करंटली जो टाटा की टियागो जो काफ़ी अच्छी मात्रा में बिकती है टाटा मोटर्स की तरफ से, उन दोनों का एक क्विक कंपेरिजन करने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही सेम सेगमेंट यानी कि एंट्री सेगमेंट हैचबैक में आती हैं। और यहाँ पे वैगनार का सीधा टक्कर होने वाला है टाटा टियागो और हुंडई सैंट्रो के साथ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाटा टियागो और न्यू वैगनार 2019 जो आने वाली है उसमें क्या कुछ हमें मिलता है, क्या कुछ हम समानताएं पाते हैं, क्या या फिर कौन सी कार किससे बेटर है। अभी तक की जो डेटा अवेलेबल है, अभी तक की जो जानकारी वैगनार 2019 के बारे में उपलब्ध है उसके आधार पर, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैगनार और टियागो में क्या बेसिकली अंतर है। जो वैगनार है वो एक टॉल बॉय कार है और उसके इस टॉल बॉय लुक को अभी भी बनाए रखा जाएगा 2019 वाले मॉडल में भी। और इसीलिए जो वैगनार है उसकी जो हाइट है वो टियागो से ज़्यादा होगी, और उसका व्हील बेस जो है नई वाली वैगनार का वो भी टियागो से ज़्यादा होने वाला है, यानी कि व्हील बेस 2435 mm का होगा नई वैगनार में, जबकि टियागो में आपको सिर्फ 2400 mm का ही मिलता है, यानी कि 35 mm ज़्यादा व्हील बेस मिलेगा आपको। वहीं पे अगर लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पे टियागो ज़्यादा लंबी और ज़्यादा चौड़ी कार होने वाली है, लेकिन हाइट और व्हील बेस में वैगनार ज़्यादा होगी। अगर हम बात करें दोनों कि सिटी ड्राइवेबिलिटी की के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर टर्निंग रेडियस को देखा जाए, तो चूंकि वैगनार का जो लेंथ है वो टियागो से कम है, तो उसका जो टर्निंग रेडियस है वो 4.7 मीटर ही है, जबकि टियागो का 4.9 मीटर है। अगर आप दोनों ही कार के एक्सटीरियर लुक को देखेंगे तो दोनों ही कार कम्प्लीटली डिफरेंट दिखती हैं। जहाँ पे टियागो एक काफ़ी स्पोर्टी और काफ़ी गुड लुकिंग कार है, वहीं पे वैगनार का जो 2019 मॉडल आने वाला है वो एक टॉल बॉय लुक के साथ और एक काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी अजीब सा डिज़ाइन के साथ आ रहा है। हालाँकि जो स्ट्रक्चर है या जो एक्सटीरियर लुक है वो हर इंसान पे अलग अलग डिपेंड करता है, किसी को वो कार अच्छी भी लग सकती है, लेकिन अभी जो करंट सेलिंग वैगनार थी वो आने वाली वैगनार के जो पिक्स आए हैं उसकी तुलना में देखा जाए तो काफ़ी बेटर थी। ये बहुत ही अजीब सा डिज़ाइन दिया गया है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, दोनों का डिज़ाइन अलग है, और टियागो डेफिनेटली एक मच बेटर लुकिंग कार है कम्पेयर टू वैगनार। तो मेरे हिसाब से टियागो ज़्यादा बेटर लुकिंग कार है, वो ज़्यादा स्पोर्टी दिखती है, ज़्यादा फंकी भी दिखती है। दोनों में आपको 13 इंच के टायर मिलते हैं, वैगनार में आपको 13 और 14 इंच के टायर व्हील साइज मिल जाएंगे, जबकि आपको टियागो में 13, 14 और 15 तीनों साइज मिल जाएंगे, यानी कि बेस वेरियंट में 13, फिर 14 और फिर टॉप एंड वेरियंट पेट्रोल में आपको 15 इंच के व्हील मिल जाएंगे। अगर हम बात करें दोनों के बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस अभी जो करेंटली वैगनार आती है उसका काफ़ी कम है, लेकिन आने वाली वैगनार का बूट स्पेस, चूँकि उसकी लंबाई को थोड़ा बढ़ाया गया है, तो ऐसी आशा की जा रही है कि 225 से 235 लीटर के बीच में उसका बूट स्पेस होने वाला है। और यहाँ पे टियागो का बूट स्पेस जो आता है वो है 242 लीटर का, यानी कि वैगनार का जो बूट स्पेस है वो टियागो से ज़्यादा तो नहीं होने वाला है, उससे कम ही रहने वाला है। अगर हम बात करें दोनों के इंजन की, तो वैगनार जो 2019 में आने वाली है उसमें 1.0 यानी 1 लीटर पेट्रोल और 1.2 लीटर पेट्रोल दो इंजन ऑप्शंस के साथ आने वाली है, LXi, VXi और ZXi वेरिएंट में। 1 लीटर का पेट्रोल इंजन आपको 67 bhp का पावर देगा और 90 Nm का पीक टॉर्क देगा, और ये आएगा LXi और VXi वेरिएंट के साथ, जबकि 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आपको 82 bhp की पावर देगा और 113 Nm का पीक टॉर्क देगा, और ये आएगा VXi ZXi वेरिएंट के साथ। और वैगनार मैनुअल और AMT दोनों में उपलब्ध होने वाली है, वहीं पे टाटा टियागो भी मैनुअल और AMT के साथ आती है। यहाँ पे 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है टियागो में। टियागो हालांकि डीजल में उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ पेट्रोल की बात करेंगे, क्योंकि वैगनार सिर्फ पेट्रोल में ही आने वाली है। तो यहाँ पे जो
टियागो का इंजन है वो देता है लगभग 84-85 bhp का पावर और 114 nm का पीक टॉर्क। अगर हम बात करें दोनों में आने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की, तो जहाँ पे टियागो में कोई भी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स नहीं आते हैं, वहीं पे जो हम वैगनार 2019 और उसमें ड्राइवर साइड एयरबैग, ABS, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर और स्पीड सेंसिंग अलार्म, ये स्टैंडर्ड होने वाले हैं। जबकि पैसेंजर एयरबैग आपको ऑप्शनल चूज कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस वेरिएंट। तो आप चाहें तो डुअल एयरबैग ऑप्ट कर सकते हैं बेस वेरिएंट से ही, जबकि टियागो में कोई भी सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड नहीं आते हैं। टियागो में भी ऑप्शनल सेफ्टी फीचर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोनों के माइलेज की, क्योंकि इस सेगमेंट की कार लेने वाले लोगों के मन में हमेशा ये रहता है कि किसका माइलेज ज़्यादा होने वाला है। तो जो टियागो है अपनी सेगमेंट में सबसे बेहतरीन माइलेज के लिए जानी जाती है और इसका माइलेज लगभग 23.84 kmpl का क्लेम किया जाता है और ये काफ़ी अच्छा माइलेज भी रियल लाइफ सिचुएशंस में भी देती है। वहीं पे नई आने वाली वैगनार का जो माइलेज होगा वो 20-21 kmpl के आसपास ही होने वाला है। 1 liter का थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मान के चलिए 20-21-22 से ज़्यादा का माइलेज इसमें नहीं मिल पाएगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इन दोनों कारों में से कौन सी कार खरीदनी चाहिए। तो कार खरीदने के लिए जो फीचर्स के अलावा जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है वो होता है प्राइस। तो अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो टियागो शुरू होती है 3.4 lakh के बेस प्राइस से और ये जाती है 5.6 lakh टॉप एंड वेरिएंट के लिए। ये एक शोरूम प्राइसेस में बता रहा हूँ दिल्ली के हिसाब से। वहीं पे वैगनार जो है वो उसकी स्टार्टिंग प्राइस 4.3-4.4 के आसपास से शुरू होगी और 5.9 lakh तक जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेस वेरिएंट की जो प्राइसिंग है वहाँ पे वैगनार और टियागो के बीच में काफ़ी ज़्यादा अंतर है और यही कारण है कि आपको वैगनार में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स बेस वेरिएंट से मिल रहे हैं जबकि टियागो में नहीं मिल रहे। लेकिन अगर आप सेम बेस वेरिएंट की प्राइस यानी कि 4.4 के आसपास अगर आप टियागो का लेंगे तो उसमें भी आपको सेफ्टी फीचर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो प्राइसिंग के हिसाब से और लुक के हिसाब से फीचर्स के हिसाब से दोनों ही कारें लगभग सेम है, लेकिन टाटा की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर होती जा रही है आजकल। उसके हिसाब से मेरे हिसाब से आपको टाटा टियागो की तरफ जाना चाहिए क्योंकि वो एक बेटर प्रोपोर्शनेट कार है। उसकी जो बनावट है वो हाईवे पे, सिटी पे, हाई स्पीड पे आपको बेहतर स्टेबिलिटी देगी, जबकि वैगनार जो है वो एक टॉल बॉय लुक के साथ आती है, काफ़ी अनस्टेबल हो जाती है हाई स्पीड पे। तो उस हिसाब से आपको वैगनार लेने के पहले थोड़ा बहुत ज़रूर सोचना चाहिए। और अगर हम बात करें एक और फैक्टर की, यहाँ पे वैगनार को थोड़ा बहुत एज मिलता है, वो है कि मारुति सुजुकी का जो आफ्टर सेल्स सर्विस है या कार खरीदने से पहले भी उनकी जो डीलर्स की बात करने का तरीका, कस्टमर को हैंडल करने का तरीका और कार खरीदने के बाद आफ्टर सेल्स सर्विस वगैरह जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, सबसे बेस्ट है इंडस्ट्री में। वहीं पर टाटा मोटर्स यहाँ पर थोड़ी सी पिछड़ जाती है। यहाँ पर आपको कार खरीदने से पहले भी ठीक ठाक सर्विस मिल पाएगी और आफ्टर सेल्स सर्विस कई सारे शहरों में, कई सारे डीलर्स, कई सारे सर्विस सेंटर उतनी अच्छी तरीके से आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे टाटा मोटर्स जरूर थोड़ी सी पिछड़ जाती है, लेकिन बीते कुछ सालों में टाटा मोटर्स इस एरिया में काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है। कई सारे शहरों में कई सारे डीलर्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं, अब टाटा मोटर्स भी अच्छी सर्विस, आफ्टर सेल्स सर्विस देने लगी है। तो आप सोचिए आपको कौन सी कार लेनी है। अभी 23 जैन को वैगनार भी आ जाएगी, टियागो ऑलरेडी है मार्केट में, तो देखते हैं कौन सी कार ज़्यादा बेहतर कर पाती है। वैसे मारुति के नाम के वजह से वैगनार डेफिनेटली शुरुआती दिनों में काफ़ी अच्छा करने वाली है। बस उसके साथ एक निगेटिव पॉइंट, उसका लुक जाता है जो पहले भी इतना अच्छा नहीं था और अभी का लुक तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आपको कैसा लगा इसका नया लुक, आप भी कमेंट करके ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, बाय बाय, टेक केयर। और कुछ सवाल है, सुझाव है तो ज़रूर कमेंट करके हमारे साथ शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।